नमस्कार दोस्तों, क्लास नाइन्थ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट अलजेब्रा चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स प्रैक्टिस सेट 3.5 क्वेश्चन नंबर 5। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए, डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल एंड फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, यह हमारा क्वेश्चन है। तो जब भी x प्लस ए से किसी पॉलिनोमियल p ऑफ x को हम डिवाइड करते हैं तो x प्लस ए की वैल्यू इक्वल टू 0 लेकर x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो x इज इक्वल टू प्लस ए का माइनस ए होगा, तो p ऑफ माइनस ए विल बी द रिमाइंडर, p ऑफ माइनस ए रिमाइंडर होगा। अब x प्लस 1 की वैल्यू अगर हम इक्वल टू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी, तो p ऑफ माइनस 1 यह इस पॉलिनोमियल का मतलब इस डिवीजन का रिमाइंडर होगा। तो हमें आंसर लिखते वक्त ऐसे लिखना है कि लेट पी ऑफ एक्स विल बी द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 एंड वी टेक एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, एक्स की वैल्यू माइनस 1, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू p of minus 1 is equal to p of minus 1 is equal to minus 1 square minus 7 into minus 1 plus 9. Minus 1 ka square hoga plus 1, minus into minus plus 7 into 1 7 plus 9. 7 plus 1 8, 8 plus 9 17. To jo yahan pe remainder hoga wo hoga 17. क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a, अगर इस पॉलिनोमियल को हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पे प्लस a होगी। तो लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ का पॉलिनोमियल हमें यहाँ पे लिखना है और x की वैल्यू a है, तो p ऑफ a इज इक्वल टू 2 इंटू, जहाँ पे x है वहाँ पे अब a सब्स्टिट्यूट करना है, तो 2 इंटू a क्यूब माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए, ए इंटू ए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए। अब पहले एक्सपोनेंट सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंट सॉल्व करके मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, 2 इंटू ए क्यूब माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए, ए स्क्वायर माइनस ए। तो ए स्क्वायर लाइक टर्म यहाँ पे हैं तो इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी साइन के अनुसार, माइनस 2 प्लस 1, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा 2 माइनस 1 1, 1 ए स्क्वायर ग्रेटर नंबर 2 है उसका साइन माइनस, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए, 2 ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस ए, ए होगा रिमाइंडर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिमाइंडर इज इक्वल टू 2 ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54 एम क्यूब प्लस 18 एम स्क्वायर माइनस 27 एम प्लस 5 को अगर हम एम माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो एम की वैल्यू यहाँ पे होगी 3, अगर इस वैल्यू को हम इक्वल टू 0 लेते हैं तो एम की वैल्यू प्लस 3 हो जाएगी। तो लेट पी ऑफ एम, p ऑफ m की वैल्यू लिखनी है वही जो पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया गया है जिसे हमें डिवाइड करना है। अब m की वैल्यू 3 होगी तो जहाँ पे m है वहाँ पे हमें 3 सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये होगा 54 इंटू 3 क्यूब प्लस 18 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 27 इंटू 3 प्लस 5। अब पहले यहाँ पे क्यूब होगा फिर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे स्क्वायर होगा मल्टीप्लिकेशन फिर मल्टीप्लिकेशन,
फिर प्लस 5 लिखना है, तो 54 इंटू 3 का क्यूब होगा 27, प्लस 18 इंटू 3 स्क्वायर वैल्यू होगी 9, माइनस 27 इंटू 3 81 प्लस 5। अब 54 और 27 का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 1458 प्लस 18 9 162 और माइनस 81 प्लस 5 एज इट इज़। अब हमें इनके एडिशन फिर उससे 81 सब्ट्रैक्ट फिर 5 प्लस करना होगा, तो 1458 इनका मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस 81 प्लस 5। अब जब हम ये सब सॉल्व करेंगे तो 1444 आंसर हमें मिल जाएगा जो कि रिमाइंडर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ़ द पॉलिनोमियल y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m इज डिवाइडेड बाय y प्लस 2 एंड द रिमाइंडर इज 50। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल को अगर हम y प्लस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें 50 मिल जाता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट p ऑफ y इज इक्वल टू, y वेरिएबल है तो इसलिए हमें y में ये पॉलिनोमियल लिखना है, p ऑफ y इज इक्वल टू y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m, यही पॉलिनोमियल हमने यहाँ पे लिखा है और हमने डिवाइड किया है y प्लस 2 से, तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस 2। y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेना है तो 2 राइट हैंड साइड में माइनस 2 हो जाएगा, तो रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर होगा यहाँ पे p ऑफ माइनस 2। तो p ऑफ माइनस 2 की वैल्यू हम अगर पॉलिनोमियल से फाइंड करते हैं तो p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 क्यूब माइनस 5 इंटू माइनस 2 माइनस 5 इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 2 प्लस m। तो p ऑफ माइनस 2 की जो वैल्यू होगी, p ऑफ माइनस 2 यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 50 दिया गया है, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 50। तो p ऑफ माइनस 2 की वैल्यू अगर 50 है तो p ऑफ माइनस 2 को हम 50 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। माइनस 2 का क्यूब, माइनस का एक्सपोनेंट और है तो माइनस ही आंसर होगा, 2 का क्यूब 8 माइनस 5 इंटू माइनस 2 स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 7 इंटू 4 7 इंटू 2 14 प्लस m। अब हमें इनमें मल्टीप्लीकेशन करना है तो 50 इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 5 इंटू 4 20 माइनस 14 प्लस m। अब माइनस 8 माइनस 20 माइनस 28 माइनस 14 प्लस m इज इक्वल टू 50। तो माइनस 28 माइनस 14 माइनस 42, माइनस 42 को हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेना है तो ये होगा प्लस 42 और यहाँ पे प्लस 50 इज इक्वल टू m। तो m की जो वैल्यू होगी इन दोनों की एडिशन करने के बाद 92 होगी। क्वेश्चन नंबर 7, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और नॉट। तो x प्लस 3 दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है यह फाइंड करने के लिए आप फैक्टर थ्योरम का यूज़ करिए, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो हमें जब भी फैक्टर है या नहीं फाइंड करना है तब रिमाइंडर फाइंड करना होगा। तो रिमाइंडर अगर 0 है तो फैक्टर होगा, मतलब x प्लस 3 से अगर हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर हमें फाइंड करना होगा। तो अब यहाँ पे x प्लस 3 की वैल्यू 0 है तो x इज इक्वल टू माइनस 3 होगा। अब लेट p ऑफ x जो पॉलिनोमियल है वो यही पॉलिनोमियल हमें यहाँ पे लिखना है, तो p ऑफ x इज इक्वल टू पॉलिनोमियल हुआ, तो p ऑफ x की वैल्यू माइनस 3 सब्स्टिट्यूट करनी है, तो p ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 स्क्वायर
प्लस टू इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, थ्री का स्क्वायर नाइन, प्लस इंटू माइनस माइनस, टू इंटू थ्री सिक्स माइनस थ्री, तो नाइन माइनस सिक्स थ्री, थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो है, रिमाइंडर पी ऑफ माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, हेंस एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस थ्री इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, तो हमें लिखना है एक्स प्लस थ्री इज द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। अब इसका रीजन क्या है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम का यूज करके हमने ये फाइंड कर लिया है कि पी ऑफ माइनस थ्री अगर जीरो है तो एक्स प्लस थ्री विल बी द फैक्टर। क्वेश्चन नंबर एट है, इफ एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स माइनस ट्वेंटी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, तो एम की वैल्यू फाइंड करिए। अब इफ एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का एक्स माइनस टू यह फैक्टर है, तो हमें एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एम है, तो एक्स क्यूब तो वेरिएबल एक्स है यहाँ पे, तो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स माइनस ट्वेंटी। अब अगर एक्स माइनस टू इज फैक्टर, इफ एक्स माइनस टू इज फैक्टर, अगर फैक्टर है तो पी ऑफ प्लस टू विल बी जीरो, पी ऑफ प्लस टू की वैल्यू जीरो होगी। इफ एक्स माइनस टू इज फैक्टर देन पी ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो, पी ऑफ टू की वैल्यू जीरो होगी। अब पी ऑफ टू फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल से, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे टू सब्स्टिट्यूट करिए, टू क्यूब माइनस एम इंटू टू स्क्वायर प्लस टेन इंटू टू माइनस ट्वेंटी। अब पी ऑफ टू की जो वैल्यू है वो जीरो होनी चाहिए, तो हम इक्वल टू जीरो लेंगे यहाँ पे, और टू का क्यूब होगा एट माइनस टू का स्क्वायर होगा फोर, फोर इंटू एम फोर एम प्लस टेन इंटू टू ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी। अब प्लस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी होगा कैंसिल, यहाँ पे माइनस फोर एम को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, तो प्लस फोर एम होगा इज इक्वल टू एट, तो एम इज इक्वल टू एट, फोर और एम में मल्टीप्लिकेशन है, तो फोर अगर हम राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में लेते हैं तो इसे डिवाइड करिए, तो एम की वैल्यू हो जाएगी प्लस टू। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, देखिए फैक्टर ऑलरेडी दिया गया है कि एक्स माइनस टू यह फैक्टर है, तो रिमाइंडर की वैल्यू जीरो होगी, एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर देन रिमाइंडर हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिमाइंडर पी ऑफ टू विल बी इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से हम एम की वैल्यू फाइंड यहाँ पे कर सकते हैं। हमें सिर्फ जो थ्योरम है वो याद रखना है कैसे यूज़ करना है, तो बाकी का क्वेश्चन जो है अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।